अपना परिचय दीजिए। जय हिंद, मैं रविंद्र फौजी, रविंद्र सिंह शेखावत, विराटनगर से, जयपुर से। आज हम जंतर मंतर में आए थे और ये हमने प्रधानमंत्री जी को ये लेटर दे दिया है जिसमें हमारी कुछ मांगे थी जो रिसीव लेकर हम आ चुके हैं। आज का जो मेन मुद्दा था, क्या मांगे थी? हमारी जो पहली मांग है वो ये थी कि 226 फील्ड रेजिमेंट के 164 जवानों पर भारत सेना में सबसे बड़ी जो एक कार्रवाई हुई थी उसमें 56 जवान को जेल कही गई थी एक मेजर की पत्नी के झूठे आरोप में। वो सिलसिला आप रविंद्र फौजी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, पूरी कहानी मैंने उस पर डाली हुई है, उसके सारे वीडियो हैं वहाँ से आप देख सकते हो। उस झूठे आरोप में वो लोग जेल में हैं और उसी सिलसिले में आज उनको रिहा करने के लिए हम यहाँ आए थे। पहले भी हम ये मैंने वीडियो भी डाला था जिसमें करीबन 20 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा, तब से 15 लोगों को उसमें एक बार जमानत मिल चुकी है, 10 लोगों को फिर मिली है, लेकिन 25 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। उनके परिवार भूखे मर रहे हैं और उनके घर में पीछे कोई भी आर्थिक सहायता या किसी भी तरह की कोई वो नहीं है। इस वजह से हम चाहते हैं सरकार से गुजारिश है पहले तो वो लोग रिहा हों और उनको जमानत मिले, उसके बाद आज हमारी कुछ मांगे और थी जिसमें पहले सहायक सिस्टम के लिए आज भी हमारे सैनिक घरेलू नौकर की तरह काम कर रहे हैं अधिकारियों के उसमें अधिकारी जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं और इस सिलसिले में जवानों से आज भी नौकर जैसा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बंद हो। और ये हमारे जनरल साहब ने कहा भी था कि हम दिसंबर में बंद कर देंगे, सिविल सर्वेंट भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक मैं जनरल साहब से कहना चाहता हूँ जनरल साहब आपने ये चीज़ नहीं कराई तो आप रहते रहते विपिन रावत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये चीज़ों को ख़त्म करें। जवान 50,000 लेकर देश सेवा के लिए आ रहा है और आप उसको एक 10,000 या 5,000 नौकर जो काम करता है उसके नौकर करा रहे हो, काम करा रहे हो, तो वो बंद करें। उसके साथ ही हमारी मांग थी अर्धसैनिक बलों की जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और उनकी 2004 से पेंशन बंद कर दी गई तो उनकी पेंशन पुनः चालू की जाए और उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। आज ही कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे हौलदार बीएसएफ के नरेंद्र कुमार जो ख़त्म हुए हैं, जिनका गला काटा गया, जिनकी आंखें निकाली गई, और फिर भी आपको बता दूं गृह मंत्रालय से जैसे कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि उनको शहीद का दर्जा देंगे, 1 करोड़ रुपये देंगे, उनको कुछ सुविधा नहीं दी जाएगी, यहाँ तक कि उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो देश के लिए शहीद नहीं हुए? तो मैं चाहता हूँ उनको शहीद का दर्जा और उनकी पेंशनें पूरे चालू हों। और इसी के साथ एक और जो हमारे MSP अलाउंस, आज जो सैनिक सीने पर गोली खाता है, जो सैनिक सर्द पे पूरे सर्दी गर्मी 24 घंटे जो सर्द पे खड़ा है उसको 5,200 दी जा रही है और जो MNS जो लेडीज MNS हैं वो सिर्फ नर्सिंग का काम करती है उनको 10,800 दिया जाता है और अफसर जो टेंट में बैठ के अलाउंस ले रहा है उसको 15,000 दिया जा रहा है। ये डिफरेंट क्यों? गर्मी सर्दी का अलाउंस, क्या सर्दी हमें जवानों को कम लगती है, क्या अफसर को ज़्यादा लगती है? उसको हमारे से 4 गुना ज़्यादा जो अलाउंस दिया जाता है। आप विदेशों में या कहीं भी देखो एक मैच है, यहाँ अफसर मैच अलग है, जैसे मैच अलग है, वो मैच का खर्चा अभी कुछ दिन पहले हमारे जनरल साहब ने कहा था कि 1.5 लाख सैनिक हम कम करेंगे क्योंकि जवानों की पेमेंट पर बजट ज़्यादा खर्च होता है। तो मैं जनरल साहब से कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि अगर सबसे ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है तो अफसरों की अय्याशी पर, आज आप देखो अफसर मैच में जितने भी मैच का बिल आता है या उनकी पार्टियों के बिल आते हैं उसमें देश का बजट खर्च हो रहा है, ये जो बोफर्स ये घोटाला हो रहा है, रफल घोटाला हो रहा है, इनमें सब अफसर पैसा खा रहे हैं। वो हमारे VK सिंह जी जो आज जनरल बनकर बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ आपने कुछ घोटाले उजागर किए थे मंत्री बनने से पहले, लेकिन आप मंत्री बनने के बाद सिर्फ सरकार की चमचागिरी में लगे हुए हैं, उस चीज़ को दोबारा क्यों नहीं उजागर करते VK सिंह? तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके मैं बार बार वीडियो भी जारी करता रहता हूँ और सरकार से गुजारिश भी करता हूँ और आज भी मोदी जी से यही गुजारिश करने आया था कि इन चीज़ों को ठीक करें, नहीं तो फिर ये सैनिक अर्धसैनिक बल और सारे कर्मचारी मिलकर आगे आने वाले समय में आपको और आपकी सरकार को एक बड़ा सबक सिखाएंगे जिसके लिए या तो राजनीतिक पार्टी बनाकर ये सैनिक मैदान में उतरेंगे या एक बड़ा संगठन किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा। ये इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा कतई कोई मकसद नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ जाएं क्योंकि कांग्रेस के दिनों से ये चीज़ चल रहा है और कांग्रेस ने भी देश को लूटा है और ऐसी पार्टी का अभी हम कभी समर्थन नहीं करते हैं।
और उनके ज़माने में भी ये पेंशन बंद थी, उन्होंने भी शुरू नहीं कराया और बहुत से मुद्दे कांग्रेस के टाइम में भी चल रहे थे। तो अगर सैनिक कुछ करेगा तो वो अलग से करेगा और इस देश की भलाई के लिए करेगा। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र एक और देश ही, और इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम करते हैं और आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।